बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान इंजॉय कर रहे होंगे। मज़ेदार सा अच्छा सा मौसम है क्योंकि ठंड हो चुकी है और ऐसे मौसम में चटपटे पकवान तो रमज़ान में ज़रूर बनते हैं। तो आज इसी सिलसिले में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनी समोसों की रेसिपी, जिसे आप अफ्तार में आराम से बना सकते हैं, झटपट बनते हैं और बहुत ज़्यादा कम बजट में ढेर सारे समोसे आप बना सकते हैं। बस आपको इसके लिए एक पट्टी ख़रीद लेनी है, समोसा पट्टी, और साथ में आपने आलू की फिलिंग बनानी है। तो आगे चलने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम समोसों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, इसमें 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड किया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है इसमें, और साथ ही अब इसमें मैं बॉयल हुए हुए मैश किए हुए आलू ऐड कर दूँगी। बहुत सिंपल देखिए मसाले इसमें ऐड किए जाएंगे लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ये समोसे हमारे बनेंगे। तो इस तरह से मसाला अच्छी तरह से इसमें जज्ब कर लेंगे, और साथ ही एक ग्रीन चिली मैंने ऐड कर दी है, थोड़ा सा ग्रीन धनिया ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही यहाँ पे जो इसका टेस्ट इन्हेंस करेगी वो कसूरी मेथी है, तो कसूरी मेथी ज़रूर इसमें ऐड कर लीजिएगा। बस मसाला हमारा रेडी है। अब ये समोसा पट्टी हम ले लेंगे बाज़ार वाली, और इस तरह से इसके ऊपर से हम एक एक परत अलग करते जाएंगे, और यूँ सबसे पहले हम एक कोन की शक्ल देंगे और साइडों पे हम मैदे की लई बनाकर इसको लगा देंगे। बिल्कुल इस तरह से आप इसको फोल्ड करें और इस तरह से आप इसके अंदर फिलिंग को डाल दें, और एंड पे इसी तरह से लई लगा के आप इसको लॉक कर लें। तो बहुत आसान है इन समोसों को इस तरह से फोल्ड करना, तो झटपट ये बन जाते हैं और ढेर सारे एक जो पट्टी हम लाते हैं उससे बन सकते हैं। तो ये देखें अच्छे खासे समोसे ये एक पट्टी से मैंने रेडी किए हैं। तो अब हम इनकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। फ्राइंग में बस आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि ऑयल को आपने अच्छे से गर्म करना है, लेकिन जब आप फ्राइंग स्टार्ट करेंगे तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको बिल्कुल मध्यम फ्लेम पे पकाना है, कुक करना है, ताकि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आए और साथ में ये क्रिस्पी भी हो जाए। तो बस आपने चूल्हा बिल्कुल लो रखना है और आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे एक दफ़ा इनको फ्राई करने में। तो ये देखें कितने क्रिस्पी ये बने। अगर आप थोड़ी जल्दी करेंगे और चूल्हा आप तेज़ कर देंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और बिल्कुल ये सौगी से बन जाएंगे, बिल्कुल इनका मज़ा नहीं आएगा। तो बस आपने इस टिप को ज़रूर याद रखना है कि आपने फ्राइंग के टाइम बिल्कुल लो फ्लेम रखना है ताकि ये क्रिस्पी बने। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो।